आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हीकल्स बीमा पॉलिसी के एक नए नियम के बारे में, जिसे हाल ही में लागू किया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है नया नियम। यदि आप कार या बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो सावधान हो जाइए, और उससे पहले यह जरूरी सूचना जान लें। 1 सितंबर यानी शनिवार से नियमों में कुछ बदलाव किया गया। इससे कार या बाइक खरीदना महंगा हो सकता है। दरअसल खरीदने के लिए आपको 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी होंगी, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत के अनुसार IRDA ने लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया। आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक 1000 cc से कम इंजन क्षमता वाली कार के लिए थर्ड पार्टी बीमा की कीमत 5,286 रुपए होगी, जबकि 1000 से 1500 cc क्षमता वाली कार के लिए 9,534 रुपए और 1500 या उससे अधिक सीसी इंजन क्षमता वाली कार के लिए 24,305 रुपए होगी। बता दें कि ये सभी कीमत 3 वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके अलावा दोपहिया वाहनों में भी नए नियमों को लागू किया गया है। नए नियम के मुताबिक दोपहिया वाहनों में 75 cc से कम क्षमता वाले वाहनों के लिए 5 वर्ष के थर्ड पार्टी बीमा की कीमत 1,045 रुपए, 75 से 100 cc इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए 3,285 रुपए, 150 से 350 cc इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए 5,453 रुपए व 350 से अधिक cc इंजन क्षमता वाले बाइक के लिए 13,034 रुपए होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए नियम के मुताबिक कॉम्प्रिहेंसिव बीमा लेने का अधिकार वाहन खरीदार के पास ही होगा। नियम में कहा गया है कि कार खरीदने वाले 1 वर्ष या 3 वर्ष का कॉम्प्रिहेंसिव बीमा ले सकेंगे, जबकि दूसरी और दोपहिया वाहन खरीदने वाले को 5 वर्ष के लिए बीमा लेना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक आदेश में कहा है कि सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी नई कारों को 3 वर्ष के लिए थर्ड पार्टी बीमा कवर तथा नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा कवर जारी करना अनिवार्य है। वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।